कासगंज में विद्युत विभाग की संयुक्त टीम के नेतृत्व में बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत नगर में बिजली के 10,000 से ऊपर बड़े बकायेदारों से वसूली की गई। साथ ही जिन बकायेदारों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है उनके विद्युत कनेक्शन काटे गए। वहीं कटिया और बाईपास कनेक्शन से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के मीटर या डिस्प्ले खराब था उनके तत्काल मीटर भी लगाए गए। आपको बता दें कि बिजली चेकिंग अभियान में लखनऊ के मुख्य अभियंता हाइडिल एस के श्रीवास्तव भी शामिल हुए, जिनके नेतृत्व में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसपी रावत, कासगंज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतेंद्र गंगवार, सब डिवीजन ऑफिसर रोहित कन्नौचिया ने टीम के साथ शहर में चेकिंग की। इस दौरान शहर के मीट मार्केट के अलावा ठंडी सड़क सहित अन्य क्षेत्र में चेकिंग की गई। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि विद्युत वितरण निगम के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें कुल 40 उपभोक्ताओं के कनेक्शन चेक किए गए हैं। इस दौरान 5 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इसके साथ ही 7 घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल किया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह चेकिंग अगले 100 दिनों तक निरंतर चलेगी, जिससे लाइन लॉस को कम किया जा सके। बता दें कि विद्युत विभाग के इस विशेष अभियान से शहर भर में खलबली मची रही। लोग एक दूसरे को सूचना दे रहे थे कि विशेष टीम चेकिंग के लिए पूरे शहर में निकली है, ऐसे में कहीं कोई लापरवाही न करे। इस सूचना के बाद जो लोग विद्युत चोरी का तरीका अपना रहे थे उन्होंने भी सतर्कता बरती। वहीं इसको लेकर विद्युत विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SC रावत ने बताया कि विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो लगातार जारी रहेगी। लाइन लॉस काम करने के लिए शासन के निर्देश पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।